तुम अपना कर्म करो, चिंता ना करो, कल की प्लानिंग करो, कल की चिंता ना करो। कल की क्या करना है? आपकी बेटी के लिए बढ़िया सा लड़का देखो, कल के लिए प्लानिंग करो, बेटी के विवाह की प्लानिंग करना है। लेकिन आप प्लानिंग नहीं करते, आप चिंता करते हैं। क्या करते हैं? जोर से, जोर से। जबकि करना क्या चाहिए? कल की प्लानिंग, घर बनाने की प्लानिंग करनी है, चिंता नहीं करनी है। आप प्लानिंग नहीं करते, आप प्लानिंग अलग विषय है और चिंता अलग विषय है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए, आप चिंता करते हैं, चिंता करने से कोई लाभ हुआ? अच्छा ये बताओ, आपकी मर्जी से क्या होता है? क्या होता है? जोर से, आपकी मर्जी से क्या होता है? कुछ नहीं। किसकी मर्जी से होता है? किसकी? जो होता है वो हमारी और आपकी मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से होता है। तुम्हारी बहू के बेटा होगा कि बेटी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, भगवान की मर्जी। तुमने खेत में फसल बोई है, कितनी फसल आएगी तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। खेत में बुवाई तुम करो, पानी तुम डालो, खाद तुम डालो, देख रेख करो, पर फसल कितनी आएगी ये भगवान तय करेंगे, तुम तय नहीं करोगे। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में है। हाँ या ना? कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम किसान हो, खेत में बुवाई कर लो। तुम बुवाई ही तो कर सकते हो, तुम जुताई, तुम गहाई, तुम पानी अच्छे से, अच्छा खाद अच्छे से, अच्छी दवाई अच्छे से अच्छी ही तो डाल सकते हो। फसल तुम्हारे हाथ में है, कितनी आएगी वो तुम तय करोगे क्या? फिर कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है। कर्म तुम करो, फल भगवान देंगे। प्लानिंग तुम करो, चिंता तुम ना करो। चिंतन करो भगवान का, भगवान खुद तुम्हारी चिंता करेंगे कि मेरे भक्त को अभी ये मिला है या नहीं मिला। तो आप भगवान की ओर देखिए और भगवान का चिंतन कीजिए। और आप लोग क्या करते हैं? चिंता। जबकि करना क्या है? चिंतन। भगवान का क्या करो? जोर से, चिंतन, चिंतन। क्या करना है मैया? चिंतन नहीं, चिंतन। भगवान का क्या करना है? आप भगवान का चिंतन कीजिए और भगवान आपकी चिंता करेंगे। आप कल की प्लानिंग कीजिए, आप टेंशन ना पालिए। हुई है सोई जो राम रचि राखा, तुम्हारा हमारा चाहा कभी नहीं होता, भगवान का चाहा होता है। इसलिए जब होना उन्हीं का चाहा है तो हम टेंशन किस बात की लें? बताओ, है कोई लाभ चिंता करने से? अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी का विवाह कब होगा? जब आप चाहेंगे तब या जब भगवान चाहेंगे तब? आप बेटी के विवाह की प्लानिंग करना शुरू करो, लड़का देखना शुरू करो, चिंता ना करो। तुम प्लानिंग करो कब होगा वो तुम तय नहीं करोगे। यदि तुम ही तय करते तो सब तुम ही कर लेते फिर, पर तुम्हारे चाहने से कहां होता। लोग कहते हैं बाप की चप्पल घिस गई पर लड़का नहीं मिला लड़की के लिए। हाँ या ना? फिर इसलिए तुम क्या करो, क्या करो? प्लानिंग कल के। अच्छा आपकी बेटी का विवाह कब होगा? जब आप चाहेंगे तब या जब भगवान चाहेंगे तब? जोर से। तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? प्लानिंग करो, मस्त भगवान के आश्रित रहो। चिंता करने से क्या होगा? आपका घर कब बनेगा? जब आप चाहेंगे तब या जब भगवान चाहेंगे तब? जोर से। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी क्या भगवान खाने को देंगे? अरे काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो क्या भगवान खाने को देंगे क्या? हमने कहा ये बताओ,
जब तुम अपनी माँ के पेट में उल्टा लटके रहे 9 महीने तक, तब तुम्हारा बाप खाने को देता था क्या? बताओ, तब किसने दिया? तुम्हारी माँ खाना पहुंचाती थी? जोर से, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब कौन खाने को देता था? तुम्हारा बाप कौन? भगवान। माँ के शरीर से, तुम्हारी नाभि से नरा जोड़ दिया, माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में चला जाता है। अरे जिसने 9 महीने माँ के पेट में भूखा नहीं मरने दिया, वो भगवान संसार में तुम्हें भूखा मरने देगा क्या? कर्म करो साहब। जब तुम पेट में थे तो तुम कर्म करने के लायक नहीं थे, तब भगवान तुम्हारा पेट भरते थे। अब तुम्हारे हाथ पांव सलामत हो गए हैं, बड़े हो, समझदार हो, अपना कर्म करो। छोटा बच्चा होता है तो माँ पकड़ पकड़ के खिलाती है, रोटी चावल दाल पकड़ के गोद में लेटा के दूध पिलाती है। अब तुम बड़े हो गए हो, अब थोड़ी पकड़ के तुम्हें दूध पिलाएगी, अब थोड़ी तुम्हें पकड़ के रोटी तुम्हारे मुंह में ठूंसेगी। अब बड़े हो गए हो, भगवान जब तुम्हारी माँ नहीं कर सकती थी तब तुम्हारे पेट में, माँ के पेट में भगवान ने सब किया। जब माँ कर सकती थी तो भगवान ने माँ को जिम्मेदारियां दे दी और माँ के स्तनों में दूध की धारा बहा दी, चलो माँ पिलाएगी दूध। और जब अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम कर्म करते रहना, भगवान पे विश्वास रखना, कर्म तेरा फल भगवान का। राम झरोखा बैठ कर सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। समझ रही हो ना मेरी माँ? तो सबके पालनहार कौन है? जोर से, इनडायरेक्ट ईश्वर ही सबको दे रहे हैं। अरे किसान खेत में बीज बो सकता है, यदि भगवान उस बीज को अंकुरित ही ना करें तो क्या कर लेगा किसान? इसलिए सबके पालनहार, इसलिए भगवान को ना भूलो। खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, लेकिन हर समय ये याद रखो कि हे प्रभु आप ही हमारे पालनहार हैं। हे नाथ, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो अब बताओ, आप लोग आज से भगवान पर विश्वास करेंगे या चिंता करेंगे? चिंता कौन करेगा? चिंता कौन करेगा? जोर से, बच्चे की चिंता कौन करता है? जोर से, बच्चे की चिंता उसकी माँ करती है। बच्चे की चिंता उसकी माँ करती है कि दूध पिया के नहीं, बीमार है, कब ठीक होगा। जैसे बच्चे की चिंता माँ करती है, बच्चा चिंता नहीं करता, उसी तरह तुम भगवान के बच्चे बन के शरण में चले जाओ, भगवान खुद तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम क्यों करते हो। तो आज से आपकी चिंता कौन करेगा? भगवान। और आप क्या करेंगे? भगवान का चिंतन। चिंतन मतलब भगवान का स्मरण, स्मरण मतलब भगवान को याद करेंगे। आप भगवान को याद कीजिए, वो आपको याद करेंगे। और पालनहार भगवान ही है साहब, तुम और हम कभी किसी के पालनहार नहीं है। लोग कहते हैं ना, अरे हम तुम्हारा पेट भर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, मैया टाटा, मेरी माँ सुनो, आप कितनों का पेट भरती हो? मेरी माँ, आप कितनों का पेट भरते हैं बताओ? भैया बताओ, आप चश्मा वाले भैया बताएंगे कितनों का पेट भरते हैं आप? 2, 4, 6, 10, 5, 20, 50, कितने आप बताओ? कितने लोगों का पेट भरती हो मैया? पीछे वाले भैया बताएंगे? कोई कह रहा हम 2 लोगों का पेट भरते हैं, कोई कह रहा है हम, हमारे घर में 4 लोग हैं, हम 4 लोगों का पेट भरते हैं। कोई कहता हमारे घर में 10 सदस्य हैं, हम 10 लोगों का पेट भरते हैं। अच्छा ये बताओ, यदि तुम नहीं रहोगे
तो क्या तुम्हारे घर वाले भूखे मर जाएंगे? बोलो। इसका मतलब है कि तुम ये जो झूठा अभिमान पाले बैठे हो कि हम किसी का पेट भर रहे हैं, हम किसी का पालन कर रहे हैं, तुम किसी का पेट नहीं भरते हो, तुम किसी का पालन नहीं करते हो, सबके पालनहार भगवान है। जो तुम कहते हो हम दो चार दस लोगों का पेट भरते हैं, यदि नहीं रहोगे आप तो क्या आपके घर परिवार वाले भूखे मर जाएंगे? ना साहब, घर में चूल्हा तो उस दिन भी जलेगा जिस दिन आपकी मृत्यु होगी। लोग भूखे तो उस दिन भी नहीं रहेंगे जिस दिन तुम मरोगे। और ये तुम झूठा जो अभिमान पाले बैठे हो ना, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, हाँ तुम मरो आराम से, तुम्हारे बाद क्या होगा? तुम्हारे बाप दादे मर गए, किसी के जाने के बाद किसी के घर का कोई काम नहीं रुका, ऐसे ही तुम्हारे और हमारे जाने पर भी हमारे और आपके घर का कोई काम। ये प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर। तुम यहां जो अभिमान करते डोल रहे हो कि मैं परिवार का पालनहार हूं, ना साहब, परमात्मा का स्मरण करो कि उसने आपको कुछ करने लायक बनाया है, उसने आपको कोई जिम्मेदारी दे रखी है, वरना तुम्हारे जैसे कितने आए और माटी बनकर धूल बनकर उड़ गए। हाँ या ना? कई बार हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। चलो एक कहानी सुनाता हूं, जरा सी सुनिएगा। पीछे वाली मैया, आवाज आ रही है मेरी माँ? सबसे पीछे जो मैया खड़ी है हाथ उठाओ यदि आवाज आ रही है तो। पीछे भैया मैया सबसे पीछे हाथ उठाओ यदि आवाज अच्छा आ रही है, आवाज हाथ उठा ली मेरी मैया। हम तो देख भी कम पा रहे हैं मैया, पर दिख रही हो मेरी माँ? लाल साड़ी वाली मैया खड़ी है, लाल साड़ी वाली के बगल में हरी साड़ी साड़ी वाली और हरी साड़ी वाली के बगल में ऑरेंज साड़ी वाली मैया खड़ी है। कैमरा भी नहीं पहुंच पाएगा जहां तक हम आपको देख पा रहे हैं, पर सुन रही हो आप ही अच्छी बात। हाँ, यहां भी मैया बैठ गई मेरी माँ, अच्छा किया मेरी माँ बैठ गई। आप बैठो मेरी माँ, हाँ वही बैठ जाओ जहां खड़ी हो। सुनो एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। सबके पालनहार कौन है? भगवान। आगे सुनो, एक कहानी सुनाऊंगा फिर उत्तर आप लोग देना। एक बार क्या हुआ, एक किसान खेत से अपनी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जानते हैं जो दो बैलगाड़ी को चलाते हैं, उसे छकड़ा भी कहते हैं और बैलगाड़ी भी कहते हैं। आपके यहां बिहार में क्या बोलते हैं? हाँ, बैलगाड़ी बोलते हैं। हाँ फिर सही है, बैलगाड़ी। एक किसान अपने खेत से बैलगाड़ी लेकर आ रहा था, बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था, कुत्ता। उस कुत्ते से गधे ने पूछा, कहो कुत्ता भाई साहब कैसे हो? कुत्ते ने कहा कि थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा है, गाड़ी मैं चला रहा हूं इसलिए थका हूं। गधा ने कहा, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे। नहीं नहीं, गधा, कुत्ते ने कहा, कर दी ना गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल तो हमारे बॉडी गार्ड है। गधे ने कहा कुत्ते से, यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी अकस्मात रुक गई। गधे ने कहा कुत्ते से, चलो। कुत्ता चला तो संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब ये बताओ कि गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? दादाजी सो रहे हो, कल भी सो रहे थे आप, आज भी सो रहे हो, बार बार आपका सिर। सुनो, नाती पोता घर में सोने नहीं देते ना अच्छे से।
सुनो, बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? कुत्ता कह रहा है गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ये बैल मेरे बॉडी गार्ड है। बताओ गाड़ी चला कौन रहा था, बैल या कुत्ते? कुत्ता। जोर से, मैया गाड़ी कौन चला रहा था? कौन? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता जबरदस्ती छाती पीट रहा था, मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बताओ वो कुत्ता कौन? जैसे गाड़ी बैल चला रहे थे पर कुत्ता झूठे ही अभिमान किए जा रहा है, उसी तरह सबकी गाड़ियां भगवान चलाते हैं, हम उस कुत्ते की तरह झूठा अभिमान करते, हमने किया, हमने ये किया। ना जी, हमारी हैसियत उस कुत्ते की तरह है। सबकी गाड़ी चलाने वाले कौन? कौन? मेरी माँ, भगवान। इसलिए अभिमान ना करेंगे कभी कि मैंने किया।